क्या रहा 860 का बोलो। हेलो 860 का आंसर क्या आ रहा है बोलो। हेलो 860 का आंसर आया किसी का। हेलो एम ऑडिबल। हेलो तो बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका। एट सिक्सटी का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो फटाफट, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब इसमें अगर आयलर इक्वेशन का यूज करेंगे, तो आयलर इक्वेशन का यूज करेंगे तो डी बाई डी टी एल को एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में माइनस और एक बार एल को एक्स के रिस्पेक्ट। जब एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो आ जाएगा, यहां से एक्स डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, तो 2 2 कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा एम एक्स डॉट, और ये पूरा पार्ट तो जीरो आ जाएगा। और जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहां से एक्स स्क्वायर का 2 2x आ जाएगा, तो 2 2 कैंसिल सिर्फ क्या बचेगा के एक्स। इसको जब फिर से करेंगे तो m बाहर x का x डबल डॉट अब आ जाएगा। अब सॉल्व करो इसको, ये क्लियर है सबको। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ना, वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका अपने को पता होगा ये एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। रूट इसके कॉम्प्लेक्स आएंगे तो सॉल्यूशन भी डायरेक्टली पता चल जाएगा इसका। मेरे हिसाब से ये प्लस आएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन किस में आएगा, अब इसके आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन देख के बता सकते थे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग। अगर मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम लैम्बडा स्क्वायर के इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के बाय एम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस रूट के बाय एम आई, और ये इसको वैल्यू उसने पहले गिवन दे दिया है कि ये वैल्यू को अपने को क्या लेना है आई ओमेगा लेना है। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सी वन कॉस, ये माइनस प्लस माइनस आएगा, तो कॉस ओमेगा टी प्लस सी टू साइन ओमेगा टी। क्लियर है सबको ये, हेलो क्लियर है सबको एक बार यस। तो ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा सी वन कॉस ओमेगा टू सी टू साइन ओमेगा टू, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी वन ओमेगा टी प्लस सी टू साइन ओमेगा। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इफ एल इज अ लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल द लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन बाय, तो लैग्रेंजियस इक्वेशन क्या होगा मोशन का, बोले इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो इसमें आयलर इक्वेशन को तो एक भी यूज नहीं हुआ है, इसमें से एक भी आयलर इक्वेशन नहीं दिख रहा है, ये भी आयलर इक्वेशन नहीं है, ये भी आयलर इक्वेशन है, ये भी आयलर इक्वेशन है, ये भी आयलर इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा इसमें से आप आयलर इक्वेशन को कन्वर्ट करके किसी और फॉर्म में लिखना है। तो एक्चुअल में ये जो है ना यहीं से अपने पास डेफिनेशन आता है एच और एल का, ये एल गिवन है ना इसी से रिलेशन बनता है एच, ये एच की वैल्यू ना ध्यान से देखो ये जो वैल्यू गिवन है ये इसमें से एच की वैल्यू कौन सी है, एल माइनस एल को अगर मैं क्यू जे के रेस्पेक्ट में करूंगा और ये क्यू डॉट जे, यही फॉर्मूला था ना अपने पास किसका, ये एच का फॉर्मूला है, तो यहीं से अपने पास एच आता है। तो अगर एल लैग्रेंजियन है किसी पार्टिकल का तो लैग्रेंजियस इक्वेशन ये होता है। तो एक काम करो मैंने इसका डेरिवेशन लिखा है तो वो डेरिवेशन देख लो, अगर अपने पास एक लैग्रेंजियन किसी सिस्टम का एक लैग्रेंजियन गिवन है तो जिसमें क्या क्या यूज हो रहा है पैरामीटर, एक क्यू यूज हो रहा है, एक क्यू डॉट यूज हो रहा है और एक टी यूज हो रहा है, तो ये थ्री पैरामीटर है ठीक है मतलब। और ये क्यू और क्यू डॉट क्या होता है ये अपने को पता है, क्यू जो हम लोग ने पहले सिस्टम बनाया था एक उसका जनरलाइज सिस्टम बनाते थे क्योंकि पहले उसमें हम लोग फ्री जितने भी फ्री वेरिएबल्स थे वो निकालते थे, उसके बाद फ्री वेरिएबल्स का यूज करके हम लोग एक सिस्टम बनाते थे ठीक है, तो वो क्यू है और ये उसका क्यू डॉट है, तो एक ही मतलब उसमें फ्री वेरिएबल, इससे ये भी पता चलता है कि ये जिस सिस्टम का है ना उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, सिर्फ वन है, तभी तो एक ही यूज हो रहा है क्यू और ये उसका डेरिवेटिव और ये टी पैरामीटर, ये लैग्रेंजियन सिस्टम का। अब अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में टोटल डेरिवेटिव करता हूं तो एक ध्यान दो ये क्यू में कुछ तो फंक्शन होंगे ना एक, और वो किसका है टाइम का फंक्शन है, तो एक तो मैं क्यू को किसके रिस्पेक्ट में करूंगा क्यू, अब ये क्यू में ही बहुत सारे होंगे, जैसे क्यू में भी सिस्टम्स होंगे ना, जैसे मैं अगर एक पार्टिकल ले रहा हूँ तो उसमें भी क्यू वन क्यू टू बहुत सारे वेरिएबल यूज हो सकते हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में मैं इसको करूंगा। ऐसे क्यू डॉट होगा, क्यू डॉट में भी तो होंगे ना क्यू वन क्यू टू, तो उसके रिस्पेक्ट में करूँ, और लास्ट में अलग से टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये यहाँ पे अपने पास डी एल बाई डी टी टी आ गया, ये क्लियर है सबको। अब आयलर लैग्रेंजियस इक्वेशन क्या है अपने पास, इसको ये साइड लेके आएंगे तो वो हो जाता है डी बाई डी टी, इसको ये साइड लेके आएंगे ये q डॉट j के रिस्पेक्ट में और ये q j, तो ये लैग्रेंजियस इक्वेशन। अब इसमें इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं ना, डेबा l बाय डेबा क्यू जे को हमें किससे रिप्लेस कर सकता हूं, डी बाई डी टी डेबा l बाय डेबा क्यू डॉट j से रिप्लेस कर सकता हूं, समझ में आ रहा है सबको ये, क्योंकि ये जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं ना h को l में l को h में, तो यहीं से आता है वो डिराइव यहीं से होता है, तो यहां से दोनों चीज क्लियर हो जाएगा ठीक है, बाकी नोट्स में ही मिल जाएगा, यहां तक क्लियर है सबको ये। पहले हम लोग ने इसका टोटल डेरिवेटिव लिया, लेकिन q जो है वो ये खुद किस q1 q2 के बहुत सारे इसमें टर्म्स होंगे और वो खुद t का फंक्शन है, तो उसके रिस्पेक्ट में किए कि पहले l को q j के रिस्पेक्ट में करेंगे और q j फिर से टाइम का, वो खुद एक टाइम का फंक्शन है, तो उसको फिर से q डॉट q j के रिस्पेक्ट में करना पड़े, तो ये q j डॉट आ गया। उसके बाद जब q डॉट को करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो लास्ट में जो q j डॉट बचेगा उसका फिर से करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा q j डबल डॉट, और ये t तो खुद ही डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद आयलर इक्वेशन का यूज किए, अब ये इसके लिए किए ताकि इसको मैं रिप्लेस कर सकूं डी बाई डी टी डेबा एल बाई डेबा क्यू डॉट जे, ये क्लियर है यहां तक सबको। हेलो हाँ, अब इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं इसके प्लेस पे इसको ये लिख दूं, ये जो ये इसके प्लेस पर अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा तो इसमें क्या होगा, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, मेरा समेशन भी कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में इसको पुट करके देखो, यहां पे इसको पुट कर दिए, तो ये अपने पास आ गया। अब एक काम करता हूँ, इसको ये साइड उठा के लेके आ जाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, डेबा एल बाय डेबा टी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये पूरा टर्म्स यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और ये टर्म यही रहेगा एल बाय मतलब एल का टोटल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल, अब इसमें से मैं ये समेशन कॉमन ले सकता हूँ, माइनस समेशन को बाहर ले लेंगे, माइनस समेशन को अगर जब मैं बाहर लूंगा तो मेरे पास ये टर्म बचेगा और यहां से ये टर्म बचेगा। अब इसमें से भी कुछ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ Q डॉट J को ऐसे ही रखूंगा तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये डी बाई डी टी आ गया। और सेकेंड टाइम जब मैं इसको ऐसे ही रखूंगा और इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या आ जाएगा Q डबल डॉट J, तो मतलब ये इसका डेरिवेटिव था, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में लिखने के बाद और ये DL बाई DT मेरा ऐसे रहेगा। अब यहां से क्या करेंगे, DBDT यहां से भी कॉमन ले लेंगे, DBDT यहां से भी कॉमन ले लेंगे, तो जब DBDT को कॉमन लेंगे और ये माइनस, तो ये अंदर क्या आ जाएगा समेशन और ये पूरा टर्म, और यहाँ पे ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आ गया। और ये जो टर्म रहता है ना, इसी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, जिसको एनर्जी फंक्शन बोलते हैं, कैपिटल एच, और यहीं से अपना डिफाइन होता है हैमिल्टोनियन। तो यही फॉर्मूला था जो हम लोग हैमिल्टोनियन का यूज कर रहे थे कि Q डॉट J और ये जो है अपने पास DL बाय DQ डॉट J, और ये इसी, ये किसकी वैल्यू है, PK की वैल्यू है। क्लियर हो गया सबको? तो ये अपने पास इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, एल ये साइड आ जाएगा, ये साइड माइनस वैसे ही रखेंगे, तो ये अपने पास आयलर का मतलब आयलर इक्वेशन से ही बन के आया ना, तो ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर हो गया सबको ये? तो यहीं से ये फॉर्मूला आता है, इसी को नाम दे दिया गया एच, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसी को एच नाम दे देते। क्लियर है ये? हेलो, ये समझ में आया सबको? हाँ हेलो, यहां से एक और चीज पता चल गया होगा। अब जब मैं इसको ये डिफाइन कर रहा हूं, DL बाय DT को मैंने क्या निकाला, माइनस DBDT, और ये जो अंदर इसको मैंने एच दे दिया, तो एक एक्सप्रेशन अपने को ये भी पता चल जाता है कि DL बाय DT किसके इक्वल आता है, माइनस DH बाय DT के इक्वल। ये अपने पास लैग्रेंजियन था जिसकी वैल्यू होती है T माइनस V, द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और ये अपने पास एनर्जी फंक्शन है, और एनर्जी फंक्शन का भी वैल्यू हम लोग ने इन टर्म्स ऑफ एल निकाल लिया, जिसकी वैल्यू हम लोग ने समेशन QJ डेल L बाय डेल QJ डॉट माइनस L। अभी सबको क्लियर है पूरा ये कि एनर्जी फंक्शन कहाँ से? इसके बाद ही हम लोग इसका हैमिल्टोनियन इक्वेशन वगैरह यूज करते हैं, उसका अलग अलग फॉर्मूला आता है। क्लियर है ये फॉर्मूला सबको? और यही क्वेश्चन ने पूछा है आइलर इक्वेशन कौन सा होगा। हेलो, एक बार यस कर दो, क्लियर है ये? हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, लैग्रेंजेस का इक्वेशन ऑफ मोशन या लैग्रेंजेस का आयलर इक्वेशन क्लियर है सबको? यस नो? ठीक है, इसके आगे जितने भी हैं सब वो थेरी पार्ट है। ठीक है, तो थेरी पार्ट का आंसर भी बहुत सारे मिले नहीं है, जब मिलेंगे तो एक उसका आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है, वो जस्ट याद कर लेना, बाकी वो कुछ है नहीं, क्योंकि थेरी तो बहुत सारा, पता नहीं वो लोग क्या थेरी देंगे, बट जितने फॉर्मूले बेसिस पे है ना वो आना चाहिए। तो जो थेरी पार्ट है ना, एक काम करो कि जितने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, जितना मिला है वो मैंने सब नोट्स में डाल दिया है, बाकी जो नहीं मिले हैं जब भी मिलेंगे मैं उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे जिसका मिल गया तो वो जस्ट याद कर लेना, जैसे हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी व्हेन कंजर्वेटिव काइनेटिक एनर्जीज होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ जनरलाइजेबल सिस्टम, तो ये जस्ट याद कर लेना है जो भी स्टेटमेंट है बस। बाकी जितने भी क्वेश्चन वाले थे ना वो सब हो चुका है, अब इसमें सॉल्विंग पार्ट एक भी नहीं है।
खाली ये लास्ट का दो क्वेश्चन है, तो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये दो तो निकाल ही सकते हैं, अब इसमें भी कुछ करना नहीं है। देखो ये अपने पास जो एम वी स्क्वायर होता है ना, इसको एक तो इसके टर्म्स में कर सकते हैं, ये यहाँ पे ना एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर अगर थ्री रहेंगे ना, ये डिपेंड करता है कितने डायमेंशन में बात कर रहे हैं हम लोग। वन पे करेंगे तो सिर्फ एक्स आता है एम वी स्क्वायर, अगर टू में करेंगे तो वाई डॉट स्क्वायर, ऐसे थ्री में करेंगे तो जेड डॉट स्क्वायर आ जाता है। ये फॉर्मूला वही है वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर ही, बट ये डिपेंड करता है कहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, सिंपल वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं कि टू डायमेंशन पे या थ्री डी में, तो ये उसके हिसाब अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो टू डी में इसके लिए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, तो ये तो फिक्स रहेगा। अब इसमें क्या बोला है, किसके अलॉन्ग बोला है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बाय एक्स। तो अगर मुझे वाई डॉट स्क्वायर निकालना है तो वाई का मतलब क्या होता है, उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी बाय एक्स। अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सी बाय एक्स स्क्वायर, और एक्स को फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो एक्स डॉट आ जाएगा, और उसका स्क्वायर लेंगे तो ये पूरा टर्म आ जाते हैं, मतलब सी स्क्वायर एक्स रेस टू फोर एक्स डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक्स डॉट है, यहाँ से भी एक्स डॉट, तो कॉमन आके ये टर्म आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हाइट क्या, पोटेंशियल क्या होता है अपना, एम जी एच, और एच क्या होगा अपने पास, हाइट मतलब वाई, तो वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे, सी बाय एक्स से। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये प्लस वाला इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ एम वन प्लस सी स्क्वायर बाय एक्स एस टू फोर एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम जी सी बाय एक्स, क्लियर है सबको ये। जस्ट ये जो कर्व दिया था ना उसको यहाँ पे पुट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं, तो ये सी ऑप्शन इसका। और ये आयलर इक्वेशन से आ जाएगा। ये अपने को क्या बोला है कि ये अपने पास फोर लैग्रेंजियन गिवन है, इसमें से किसका ये एक मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बनेगा, ये फोर ऑप्शन है, मतलब इसमें आयलर इक्वेशन यूज करेंगे ना तो तीन का ये आ रहा है, सिर्फ एक का नहीं आ रहा है। जैसे इसको हम लोग आयलर इक्वेशन यूज करेंगे तब भी यही आएगा, सेकेंड का भी यही आ रहा है, थर्ड का शायद नहीं आ रहा है, फोर्थ का भी यही आ रहा है, तो ए बी डी का सेम यही आंसर आ रहा है और सी का नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना, सिंपल आयलर इक्वेशन का यूज करना है, क्लियर है सबको। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आएंगे, तो पहले तो सिर्फ यही आता था, पिछले 3 बार से थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ठीक है, अब फ्लूइड डायनेमिक्स में भी जो थ्योरी पार्ट के क्वेश्चन है वो छोड़ दो, इसमें अपने को दो इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है बस, एक होता है स्ट्रीम फंक्शन और एक होता है वेलोसिटी पोटेंशियल। सेम जैसे इसका फॉर्मूला था ठीक है, इसी तरीके से यहां पे भी फॉर्मूला है। ठीक है, क्या निकालना है अपने को, यू और वी यहां पे भी निकालना है, यू और वी यहां पे भी निकालना है। स्ट्रीम फंक्शन को साई से डिनोट करते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं। अब स्ट्रीम फंक्शन का फॉर्मूला क्या है कि जब ये निकालना है तो माइनस साई को एक्स के रिस्पेक्ट में, और वी निकालना है तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में। इसमें क्या होता है, अगर यू निकालना है तो फाई को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब वी निकालना है सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये जब ये निकालना है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, बाकी कुछ नहीं, क्लियर है सबको। ये दो फॉर्मूले से इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक स्ट्रीम फंक्शन याद रखना है, एक वेलोसिटी पोटेंशियल, अगर इससे रिलेटेड आ रहा है तो करना, अगर इसके अलावा बाकी सब थ्योरी पार्ट आएंगे, बाकी और कुछ नहीं आएगा। और एक इसी बता दूं, और ये याद रखना है, ये जो दोनों फंक्शन है ना ये हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हार्मोनिक इक्वेशन की वजह से हम लोग जब इसका यूज करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स में याद है, अगर अपने को रियल पार्ट पता है, जैसे ये यू और वी पता है, यू पता है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये पता है तो ये निकाल सकते हैं। अगर अपने पास साई पता है तो इसका यूज करके ये दो निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये दो पता है तो इसका यूज करके ये भी तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो उस कंडीशन में इसका हार्मोनिक अलग हार्मोनिक फंक्शन है, तो लैपलास इक्वेशन का यूज होता है यार। ये क्लियर है दोनों फॉर्मूला सबको। हेलो, हेलो, मॉडिबल, चलो उस फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर बताओ।
नहीं नहीं ये जो है पहले एक काम करो, पहले यू और भी तो किसी ने निकालना ही नहीं है। ठीक है पहले ये कैलकुलेट करो, फिर बताता हूँ आगे इसमें क्या करना। इसमें क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द वेलोसिटी फील्ड यूवी विच सेटिस्फाई कंजर्वेशन मास। हाँ इसमें भी ये भी एक फॉर्मूला है कि इसमें क्या करना है, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और वी को वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों का सम जीरो आना चाहिए। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है बोलो। जब भी पूछेंगे ना कि द कंजर्वेशन ऑफ मास किसके लिए, इन कॉम्प्रेसिबल प्लेन फ्लो के लिए, तो इसमें क्या करना है, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है प्लस वी को वाई के रिस्पेक्ट में, और दोनों का सम करने पे आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। सेम ये कंडीशन यहाँ पे भी यूज करना है और यही कंडीशन सेकेंड क्वेश्चन में भी यूज करना है, दोनों में सेम कंडीशन यूज होगा, तो दोनों का आंसर बताओ क्या आएगा। अभी दिख रहे हैं, ये यू गिवन है, ये वी गिवन है, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, वी को वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर दोनों का सम करके अगर जिसका जीरो आंसर आएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी वाला ऑप्शन आ रहा है ना, पहले का तो नहीं होगा। जब मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये सिक्स एक्स आएगा, और जब मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस एट एक्स वाई आ रहा है, तो जीरो नहीं आएगा। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो टू एक्स, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस टू वाई, तो वो जीरो नहीं होगा। ये वाला करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टू वाई और ये माइनस टू एक्स, तो 2y माइनस 2x आ रहा है, और यहाँ पे जब इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये प्लस 2x, तो यहाँ का माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का 2y और यहाँ का माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर जीरो आ रहा है। ऐसे इसमें भी करेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो, यहाँ पे a बचेगा प्लस, और इसमें से ये d बचेगा, तो a प्लस d इज इक्वल टू जीरो। ठीक है अब इसमें क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय, ये अपने पास वेलोसिटी पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, तो देन द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड फ्लो, ये देखो u और v गिवन है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, स्ट्रीम फंक्शन, अच्छा ठीक है ये करेक्शन कर लो, थोड़ा वेलोसिटी पोटेंशियल का अलग है, वेलोसिटी पोटेंशियल अगर अपने पास फाइ गिवन है ना तो u निकालना है, सॉरी इसका ये रहेगा, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और v करना है तो इसको y के रिस्पेक्ट में ही। स्ट्रीम में चेंज होता है, स्ट्रीम में ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, और ये भी चेंज हो जाता है, यहाँ पे u है तो x के रिस्पेक्ट में करना है, v और y उसमें वो चेंज हो जाता है, u है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे और v है तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये अपने को निकालना है इसमें से। तो वेलोसिटी पोटेंशियल अगर गिवन है तो u का फॉर्मूला क्या होगा, फाइव को x के रिस्पेक्ट में और माइनस साइन, और फाइव को y के रिस्पेक्ट में, ये फाइव के लिए होता है, ठीक है, दोनों में माइनस।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से निकालो। अभी दिख रहे सबको? वैसे वैसे अगर एक भी निकाल लिए ना तो ये सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है। देखो इसको क्या करना है, अगर अपने को यू निकालना है तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लो और फिर माइनस साइन चेंज कर दो। एक्स के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो टू एक्स, टू एक्स किसमें आ रही है? टू इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ द फ्लूड इज गिवन बाय, क्वेश्चन यही है ना। सॉल्व करो। सही है, सही। तो टू एक्स है ना यहाँ पे, और बाकी किसी में नहीं है ना, तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, चेक करने की जरूरत नहीं है ना। समझ में आ रहा है सबको? ये देखा जाए ना तो उसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। टू एक्स इसमें भी नहीं आ रहा है, टू एक्स इसमें भी नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है। लेकिन अपने को साइन भी चेंज करना है ना, तो ये सिर्फ माइनस टू एक्स इसमें आ रहा है, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ में आया सबको ये? बाकी आगे चेक कर सकते हो। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वाई क्यूब बाई थ्री, साइन चेंज करेंगे तो माइनस होगा। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थ्री थ्री एक्स स्क्वायर होगा, थ्री थ्री कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई, और साइन चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस। क्लियर है सबको ये? ऐसे वाई के रिस्पेक्ट में निकाल के इसका साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस टू वाई है तो प्लस टू वाई, यहाँ पे थ्री थ्री कैंसिल, थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और साइन चेंज कर देंगे तो सॉरी थ्री थ्री भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक्स वाई स्क्वायर, और साइन चेंज कर देंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई का वन, और साइन चेंज कर देंगे तो प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री। क्लियर है सबको ये? तो देखा जाए तीनों सिंपल फॉर्मूले के बेसिस पे थे। तो ये थोड़ा चेंजेस कर देना, वेलोसिटी पोटेंशियल है तो उसमें क्या करना है, यू है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, वी है तो वाई के रिस्पेक्ट में, और साइन दोनों का माइनस निगेटिव कर देना। और सेकेंड वाले में अगर अपने पास स्ट्रीम फंक्शन है तो उसमें क्या करते हैं, यू है तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है और साइन माइनस रखेंगे, लेकिन वी के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में साइन नहीं चेंज करना है। हाँ वी एक्स के रिस्पेक्ट, उसमें उसमें अल्टरनेट रहता है, ठीक है। अब ये देखो फाई अपने पास गिवन है, रिप्रेजेंट द वेलोसिटी पोटेंशियल, अपने को क्या निकालना है ये। हाँ अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अपने को क्या बोला है कि स्ट्रीम लाइन एट द टाइम टी आर द कर्व, तो एक बार यू और वी आ गया ना तो उसके बाद क्या करना है, डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वी बाय वाई, अरे डी वाई बाय वी, उसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। पहले यू और वी निकालो, उसके बाद डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वी बाय वी, कैलकुलेट करो इसको कितना आएगा। ये अपने पास ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना। तो u का फॉर्मूला अपने पास है, v का भी फॉर्मूला है, उसको सॉल्व करके ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कौन सा ऑप्शन आ रहा है?
यू डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई बी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। यू और वी निकाले पहले, उसके बाद डी एक्स बाई यू, यू क्या आ रहा है अपने पास, माइनस वाई प्लस टी है, वाई प्लस टी आएगा कि वाई माइनस टी, और माइनस वो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ अब इसको सॉल्व कर दो, बस हो गया ये, इसको ये साइड लेके आओ तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई टू, और इसको ये साइड लेके आएंगे तो वाई माइनस टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी, तो ये एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, हो गया ठीक है। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है सबको ये। तो x माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस y माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया। बाकी अभी दो क्वेश्चन है जिसमें अपने को क्या करना है, अभी तक क्या था, अगर अपने पास पाई और ये गिवन है तो यू और वी निकालते हैं, अब ये उसका उल्टा करना है, मतलब यू और वी गिवन है और अपने को क्या निकालना है, उसका अगर स्ट्रीम फंक्शन निकालना है या उसका वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है, तो उस केस में क्या करना है। अब जैसे मान लो u और v अपने पास गिवन है, ठीक है, तो अगर स्ट्रीम के केस में है तो मैं u की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, अगर मान लो मेरे पास एक बार साई स्ट्रीम फंक्शन है और एक बार ये वेलोसिटी पोटेंशियल है, तो मैं u को कैसे लिख सकता हूं, जब स्ट्रीम फंक्शन है तो x ऐसे v लिख सकता हूं, ये ऐसे अगर वेलोसिटी पोटेंशियल है तो u को क्या ले सकते हैं हम लोग, ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे y और ये x, इसमें सेम सेम रहेगा, मतलब पाई को x के रिस्पेक्ट में और ऐसे v को y के रिस्पेक्ट में, ये क्लियर है सबको, मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो एक तो इस पे क्वेश्चन आता है कि अगर अपने पास स्ट्रीम फंक्शन गिवन है तो ये निकाल सकते हैं, यू और वी निकाल सकते हैं, ऐसे अगर वेलोसिटी पोटेंशियल गिवन है तो यू और वी निकाल सकते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया। अब अगर मान लो ये दोनों गिवन है और अगर स्ट्रीम फंक्शन पूछे, यू और वी देके वेलोसिटी पोटेंशियल पूछे, तब कैसे करना है, ये तो क्लियर है सबको। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों जो है ना ये लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अब मैं अगर इसका टोटल डेरिवेटिव निकालूं तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, मतलब फाई का एक्स डी एक्स, फाई का वाई डी वाई, और ये लैपलास इक्वेशन होने की वजह से ना ये क्या बन जाता है अपने पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। तो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये सॉल्यूशन मेरे पास ये आ जाएगा ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉट कंटेनिंग एक्स और इसमें कीपिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट और प्लस भी, ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर अपने पास यू गिवन है तो ये भी निकल मिल जाएगा अपने को और ये भी मिल जाएगा, ऐसे इसके केस में भी यहाँ पे वैसे ही करना है, तो ये इसको सॉल्व करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने पास आंसर मिल जाएगा, क्लियर है सबको ये। हेलो ये समझ में आया सबको, यू और वी गिवन है तो ये दोनों निकाल लो, इसको यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा, ऐसे कि ये दोनों गिवन है तो सेम ऐसे यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ये समझ में आया सबको दोनों। दोनों में माइनस है, इसमें एक्स और वाई, इसमें एक बार वाई और एक बार एक्स, बस साइन इसमें एक बार प्लस रहता है को माइनस रहता है, ये जहां पे एक्स रहेगा ना वहां पे निगेटिव रहता है, जहां पे वाई है प्लस, या फिर ऐसे याद रखो यू के साथ प्लस रहेगा बी, ये मेरे को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है एक बार प्रैक्टिस कर लोगे समझ में आ। हाँ ये वेलोसिटी पोटेंशियल में, इसमें नहीं, इसमें अल्टरनेट रहेगा, इसमें एक में प्लस है एक में माइनस है,
अब इसमें देखो, इसमें दिया है वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अ पॉसिबल फ्लूइड मोशन आर, यू गिवन है, वी गिवन है, अपने को निकालना है स्ट्रीम फंक्शन। तो स्ट्रीम फंक्शन निकालेंगे तो इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ, फाइव एक्स भी निकाल सकता हूँ, फाइव वाई भी निकाल सकता हूँ, और फिर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ ना कि अगर मुझे फाइ निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं सीधे सीधे जो भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसको, फाइव एक्स डी एक्स फाइव वाई डी वाई प्लस सी, ये डायरेक्ट आ जाएगा ना मेरे पास, ठीक है। तो देयर फोर फाइ इज इक्वल टू, फाइव एक्स की वैल्यू क्या आएगी, u इज इक्वल टू ये था, और v इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई। तो इसका मतलब इसके प्लेस में माइनस वी लिख सकता हूँ, इसके प्लेस में माइनस यू लिख सकता हूँ, क्लियर है सबको ये। तो एक काम करता हूँ, माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे u इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v इंटू डी वाई और प्लस कॉन्स्टेंट सी। और हाँ, कभी अगर साइन का इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उस केस में क्या करना, जो भी आंसर वो निकाल लेना, अगर किसी पहले में माइनस है ना तो पूरे को माइनस से चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है। तो बस याद रखना है कि अगर माइनस चेंज करूंगा ना तो जितने भी टर्म है वो सबका सेम होना, मतलब चेंज होना चाहिए। तो ये माइनस, अब यू का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना है वाई को कॉन्स्टेंट रखेंगे, और जब ये करेंगे तो इसमें एक्स के टर्म को लेना ही नहीं। अब u अपने पास क्या गिवन था, u इज इक्वल टू टू सी एक्स वाई प्लस वी इज इक्वल टू सी टाइम्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और प्लस सी कॉन्स्टेंट। यहाँ से कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस टू सी वाई कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू, ये इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ये अपने पास सी भी कॉमन आ गया, और जब ये पूरे को इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स वाला टर्म तो लेना ही नहीं है, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाय थ्री प्लस सी, क्लियर है सबको ये। इसमें नॉट कंटेनिंग एक्स, इसमें वाई को कांस्टेंट रखेंगे, तो यहां से टू टू कैंसल हो गया, यह आ जाएगा अपने पास सी वाई एक्स स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर वाई और प्लस सी वाई क्यूब बाय थ्री। तो अगर मैं सी को कॉमन ले लूं या फिर माइनस सी को कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, क्लियर है सबको ये। तो ये अपने पास आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस वाई थ्री बाय थ्री। अब ये माइनस सी है, इसको मैं प्लस सी भी कर सकता हूँ, माइनस सी भी कर सकता हूँ, ये चेंजेस चलता है इसमें, बट ऑप्शन है माइनस सी है, क्लियर है ना सबको ये। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाय थ्री और बाहर माइनस सी,